गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अ हाउस लाइक दिस चैप्टर से आज हम थोड़ा और रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग करने से पहले जो पिक्चर्स दी हैं इसको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, पिक्चर में हमको एक हाउस दिखाई दे रहा है जो कि बोट पर बना है ना। तो ये हाउस बोट जैसा दिखाई दे रहा है हमें, और इधर एक लेक दिखाई दे रही है और इसके चारों तरफ हमको पीछे क्या दिख रहे हैं, माउंटेंस दिख रहे हैं, है ना। लेक और माउंटेंस इधर दिखाई दे रहे हैं और इधर हाउस बोट दिखाई दे रहे हैं। चलो इसको रीड करते हैं हम यहाँ से। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, शाम को हम सभी डल लेक गए। अब आपको याद होगा इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक कैंप लगा था जो कि श्रीनगर में लगा था, वहाँ पर बच्चे आए थे, तो पहले उनका इंट्रोडक्शन हुआ और शाम को अभी लेक में गए, डल लेक। तो डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में है। वी सा आ हाउस बोट, हमने एक हाउस बोट देखी। वी सेट इन ए शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स, हम शिकारा में बैठे और कुछ बच्चों ने चप्पू चलाया। नाव चलाने के लिए एक आपने देखा होगा बच्चों, जिसमें हम वाटर में डालते हैं और उस पर प्रेशर से नाव को आगे धकेलते हैं, तो उसको ओर्स बोलते हैं, चप्पू बोलते हैं। तो कुछ बच्चों ने चप्पू चलाया। वी सा द चार मीनार सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स, हमने चार चिनारी देखी जो कि नीले पहाड़ों से घिरी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये स्टोरी हुई थोड़ी सी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज, हाउस बोट दूसरे हाउसेज से कैसे अलग है। अब हम जानते हैं हाउस बोट क्या है, वो पानी पर फ्लो करती है, और जबकि दूसरे हाउस क्या है, वो ज़मीन पर बने हैं, फ्लोर पर बने हैं, ठीक है ना। वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन हाउस बोट मूव करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है, वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, क्या आप इस तरह के हाउस में रहना पसंद करेंगे। किस तरह के हाउस में, जैसे कि हाउस बोट है, तो यस हम उसमें पसंद करेंगे। और क्यों, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकती है, जबकि जिन घरों में हम रहते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते। देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, हाउस बोट फ्लोट्स ओवर वाटर वेर एज अदर हाउसेज आर मेड अप ऑन ए फ्लोर, हाउस बोट क्या करती है, पानी पर बहती है, चलती है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि दूसरे घर फ्लोर पर बने हैं वो नहीं मूव कर पाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप इसको पसंद करते हैं हाउस बोट में रहना, तो आंसर है येस वी विल एन्जॉय बोथ लिविंग एंड बोटिंग इन सच हाउसेज, हाँ हमें अच्छा लगेगा इसमें रहना और बोटिंग करना, इस हाउस बोट जैसे घरों में, ठीक है। चलो चलिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स, इसमें हमको मैच करना है ना। तो सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक इग्लू जैसा दिखाई दे रहा है, हाउस ऑफ स्नो। ये हाउस बोट दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी देखा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये कुछ टेंट जैसा दिख रहा है और ये हट के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले हट लिखा है, हट को इस पिक्चर से मैच कर दीजिए, फिर हाउस ऑफ स्नो इग्लू, ये रहा, ठीक है, मिल गया पहली पिक्चर में ही। टेंट, टेंट ये है, टेंट जैसा दिखाई दे रहा है, इसको इससे मैच कर दीजिए। हाउस बोट अभी हमने देखी, यहाँ पर मैच कर दीजिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये दिख रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसको मैच कर दीजिए। तो चिल्ड्रन देखिए मैचिंग हो गई है। आपको ये काम अपनी नोटबुक में करना है और स्टोरी को रीड करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।